लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। चीन के वुहान सिटी से निकलकर आज पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था खराब कर देने वाले कोरोना वायरस का कहर अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है और देश में इससे संक्रमित मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कोरोना वायरस ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ कर रख दिया है। आज हर दुकानदार इसकी मार झेलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में प्रदेश के फूल कारोबारियों की बगिया भी उजड़ती हुई नजर आ रही है। पिछले 3 महीने से शहर में फूल का व्यापार पूरी तरह बंद है। जहां पहले गुलाब, चमेली, जाफरानी आदि की खुशबू से बाजार महकता हुआ नजर आता था, आज वो बाजार बिल्कुल बेजार सा हो गया है। बता दें कि कोरोना संकट के कारण आज धार्मिक स्थल, शादी समारोह व अन्य आयोजन बंद होने के कारण फूल विक्रेताओं के चेहरों पर मायूसी है। हाल ही में राजधानी जयपुर के झोटवाड़ा क्षेत्र के फूल व्यापारी से व्यापार को लेकर बातचीत की और उन्होंने अपनी स्थिति साझा करते हुए कहा कि इस समय बच्चों का पेट पालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मंडी से महंगा सामान लेकर आते हैं लेकिन इस समय मुनाफा छोड़ सामान का मूल्य भी नहीं निकल पा रहा है। इसके अलावा दुकान का किराया सहित लाइट आदि के खर्च अलग से हैं। ऐसे में कोरोना वायरस संक्रमण से उपजे संकट ने फूल विक्रेताओं के साथ साथ फूलों की खेती करने वाले प्रदेश के हजारों किसानों, मालियों व फूल वालों की जिंदगी से मानो खुशबू ही छीन ली है। आइए आपको बताते हैं, जब मरुधर बुलेटिन की टीम ने फूल विक्रेताओं से बात की तो उनका क्या कहना है। आइए बात करते हैं नंदू जी से। तो नंदू जी बताइए, आप फूल माला का बिजनेस करते हैं, फूल माला आप बेचते हैं, तो आपको किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इस कोरोना काल के बिजनेस? तो पहले वाली बात कहती है, अभी और डेली का 1800 रुपये का कांटा लग रहा है अभी। अच्छा, 1500 का माल लाता हूँ, 800 रुपये का बिकता है और 800 रुपये 700 रुपये कांटा चल रहा है डेली। रोज 800 रुपये का घाटा खा रहे हैं आप इसके चलते? ना किराया निकल रहा है दुकान का, ना मकान का किराया निकल रहा है, बहुत अलग है। तो कैसे खर्चा चला रहे हैं आप अपने घर का? क्या सर, कैसे खर्चा चला रहे हैं आप अपने घर का? खर्च चला रहे हैं ऐसे ही, पैसे वैसे कर्जा वर्जा करके चला रहे हैं।